हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सुप्रभात। छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार, बड़े भाई बहन और माता पिता को चरण स्पर्श। मैं रूबी आप सभी का स्वागत करती आपके अपने चैनल पे आरवी पटेल फैमिली ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और ना मैं यहाँ पे ना देखिए गैस में ना भून रही हूँ चिवड़ा, और उसके साथ ना बादाम डाल दी हूँ ताकि और भी अच्छे लगे। और मेरा बादाम ना बहुत दिनों से पड़ा ही था, तो इसको छील के हटा के ना यहाँ पे मैं डाल दी हूँ। और ये चिवड़ा भी ना कोई खा नहीं रहा था, इसलिए मैं सोची कि अगर चिवड़ा को भून देती हूँ ना तो आरवी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कच्चा खाने से तो ऐसे पेट वगैरह दर्द देता है, अगर हम उसको अच्छे से भून देते हैं तो उस पर ज़्यादा असर नहीं करेगा। और इधर देखिए आरवी आज बाहर में ही खा रही है। तो ना आरवी ना यहाँ पे ना धूप में खेल रही थी, और इसको खेलते खेलते देखिए यहाँ पे भूख लग गई है। तो ये है आलू भर कर रोटी, और ये एक साइड ना टमाटर का चटनी और आलू मिक्स किया गया है, और एक साइड ना बैंगन का चटनी है। तो ये सब अभी खा के और फिर ना हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अंदर। तो ना ये देखिए अभी मैं ना रेडी हो गई हूँ, और यहाँ पे ना मैं अपना बैग में क्यों इतने सारे कपड़े डाल रही हूँ, कहाँ जाने की इतने सारे तैयारी हो रहे हैं। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, मैं आप लोग से ना कुछ भी बात नहीं छिपाती हूँ, सारा बात शेयर करती हूँ। तो उसी तरह आज भी मैं आप लोग को बताऊँगी कि मैं इतना सारा कपड़ा काहे मोड़ रही हूँ और कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। और इधर देखिए आरवी के पापा भी ना मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि शाम भी हो जाएगी, हम लोग को कहीं जाना भी है। तो हम लोग को ना अपना गांव जाना है, घर जाना है, इसलिए ना इतना सारा कपड़ा, क्योंकि अभी हम लोग को कुछ दिन तक वहीं रुकना ही पड़ेगा। और ना जितने भी कपड़े सारे धोए हुए थे ना, वो सब देखिए हम बक्से में डाल दे रहे हैं, क्योंकि बाहर में रहने से ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और आरवी के पापा को भी दिक्कत हो जाएंगे। इसलिए जितने भी धोया हुआ कपड़ा रहता है ना, आरवी का, मेरा, आरवी का, पापा का, सब हम जितना नहीं पहनने वाला या नहीं यूज होने वाला वो सब जितना है ना, सारे को हम अभी डाल दिए। और ये देखिए घर से कहीं भी जाने से पहले ना इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि जाने का भी मन नहीं करता है, और इतना सारा काम भी हो जाते हैं, फिर भी काम को देखते हुए अपना भी ख्याल देखिए हम कैसे रखते हैं अपने पैर को। तो देखिए मैं आज मैं पैर में ना पट्टी वगैरह कुछ नहीं बांधी थी, तो मेरे पैर में ना अगर मैं पट्टी नहीं बांधती हूँ तो मेरा पैर में थोड़ा सा फूल जाते हैं और भी ज़्यादा। तो ये देखिए गर्म पट्टी मैं अभी लगा रही हूँ, और यहाँ पे ना आरवी के पापा ना बहुत अच्छे से मेरा जो पट्टी है ना वो बांध देते हैं। तो मैं ना अभी ना यहाँ पे ना रोने भी लगी कि मेरा पट्टी वहाँ पे घर में जाने के बाद कौन बांधेगा, इस टाइप से बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। लेकिन क्या करें, अपने आप को फिर संभाल लिए। और फिर ना जो गेहूँ साफ़ कर रहे थे ना, तो यही देखिए दुकान में ला के और यहाँ पर अभी छोड़ रख देंगे। और दो पैकेट मिक्सचर ले लिए, क्योंकि मिक्सचर, ये जो मिक्सचर है ना वहाँ पर हम लोग को गाँव में नहीं मिलता है, इसलिए यहीं से ले लिए। और ये देखिए अभी है ना वीवो का केयर, आप लोग को दिखते होंगे पीछे मेरे पीछे। तो यहाँ पे ना सिस्टर का मोबाइल देने के लिए आए हुए थे, आया हुआ था ना भाई कुछ दिन पहले, तो वही लेके आया था कि केयर में दे देना। तो वहीं पे फिर केयर में देने के बाद ना यहाँ पे हम लोग मिठाई वाला दुकान पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा मिठाई हम लोग को पसंद आता है, क्योंकि घर मायके जाएंगे तो फिर कुछ लेके ही जाना पड़ता है। तो ये देखिए हम लोग कुछ मिठाई वहाँ से ले लिए हैं। और ना फ्रेंड, मैं ना अपना वीडियो में ही ना एक छोटी बच्ची को देखी, पीछे मेरे पीछे मांग रही थी, मैं उसको नहीं देख पाई थी। लेकिन ना ये सब देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि सरकार इतना ज़्यादा स्कूल में फ्री उपलब्ध किए हैं, लेकिन फिर भी बच्चे लोग ना क्यों नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा अभी हम यहाँ पर मार्केट आते हैं ना जब भी, तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे ना बहुत सारे देखते हैं कि मांग के और खाते हैं। लेकिन ना ये जो गरीब बच्चे होते हैं ना, तो इनकी मदद करने वाला कोई नहीं हो रहते हैं, फिर भी बेचारे लोग यही आस लगा के रोज़ सोचते हैं कि आज एक दो पैसा मिल जाएगा। बहुत कोई देते हैं, बहुत कोई नहीं देते हैं। तो हम जब भी जाते हैं ना, तो हम मुझे मिल जाते हैं तो हम ज़रूर ले देते हैं। और ना फ्रेंड, उसके बाद मैं कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी, और सीधे मैं घर पर मिल रही हूँ। जो आप पीठा देखे ना मेरा प्लेट में, तो वो पीठा था जो सासू माँ सुबह उठ के ही बना दी थी, और हम लोग को रात आने में 9 बज गए थे। उसके बाद ना मैं कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं की। और यहाँ पे देखिए फिर ना यहाँ पे पापा ना गांव आते ही देखिए दोनों लग गए हैं चूल्हा बनाने में। और ये ना ईंट का चूल्हा है, जो कि ये ना हम हर साल बनाते हैं, इसको पिछला साल भी बनाए थे, तो उसका भी मैं वीडियो पूरा डाली हूँ। तो आप लोग अगर
देखना चाहते हैं तो पीछे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, उसमें मैं पूरा डिटेल से डाली हूँ। और यहाँ पे ना पापा और आरोही के पापा ना दोनों मिल के ना यहाँ पे ना ईंट के जो चूल्हे हैं ना वो बनाने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम तो अभी उतने अच्छे से मिट्टी वगैरह लाने नहीं सकेंगे, तो आरोही के पापा ही इस बार मेरे जो ईंट का चूल्हा है ना तो वो बनाने में हेल्प कर दे रहे हैं। और यहाँ घर आने के बाद ना साफ़ सफाई करते ही ना देख सकते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, और ये सब ना कुर्सी में सोच रहे थे बैठेंगे लेकिन इतना ज़्यादा गंदे थे ना, इसलिए मैं सभी को कुर्सी को ना अभी सबसे पहले धो ले रही हूँ और सारे रूम को भी साफ़ सफाई की हूँ, रात से ही कर रही हूँ लेकिन फिर भी अभी साफ़ सफाई हो नहीं पाए। तो हम लोग ना सभी को आज पिठाई नाश्ता कर लिए, क्योंकि हम लोग 15 तारीख को नहीं आए थे ना 15 जनवरी को, इसलिए मम्मी बोली कि आप लोग नहीं आए थे तो बना देते हैं खा लेती है। तो हमारे यहाँ ना 15 तारीख को ना बौड़ी, तो उस दिन ना हमारे यहाँ ना पहले भी मैं बताई हूँ कि बौड़ी में हमारे यहाँ पिठाई बनता है, तो इधर मैं कुर्सी वगैरह साफ़ कर रही थी और यहाँ पे ना पापा बोल भी रहे थे कि चूल्हा अच्छा बन पा रहा है या नहीं, तो इसको ना जो कढ़ाई आप देख रहे हैं ना बड़ा सा, तो उसको चढ़ा के और उतरा के देखना पड़ता है कि अच्छे से ना मेरा चूल्हा सेट हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि यही जो कढ़ाई ना वो जब तक मैं धान को सिझाऊँगी ना तब तक वहाँ पर चढ़ा ही रहेगा, इसलिए ना उसको अच्छे से बनाना पड़ता है ताकि मेरा चूल्हा जो बन रहा है ना वो धंसे नहीं। तो फिर इसी तरह से ना देखिए पापा पूरा अच्छे से बना ही दे रहे हैं, और ना पापा यहाँ बनाते टाइम ना एक छोटा सा ना यहाँ पे छेद छोड़ दिए, तो वो हमको बोल रहे थे कि बड़ा रख दे कि छोटा रख दे, तो वही देखने के लिए ना हमको यहाँ पे बुला रहे थे कि देख लो छोटा रख दे कि बड़ा रख दे, तो बोले कि छोटा ही रख दीजिए, ज़्यादा फिर बड़ा रख देंगे तो फिर जितने भी आग डालेंगे ना इसमें वो तो सारा निकल जाएगा, तो फिर मेरा कोई काम का नहीं रहेगा, तो फिर वही छोटा सा ही रख दिए। और ना आरोही के पापा देख सकते हैं एक गमले में ना मिट्टी ला के रख दिए हैं और वो फिर ना नहाने के लिए चले गए हैं, क्योंकि उनको वापस भी जाना है। आप लोगों को तो पता ही कि प्राइवेट नौकरी में क्या होता है, अगर हम एक दिन भी नहीं जाते हैं ना तो वहाँ पे ना डांट मिलने लगती है या तो फिर वहाँ पे बोलने भी लगते हैं कि अगर आप रेगुलर से नहीं आइएगा तो हम यहाँ से निकाल देंगे। इस तरह से ना जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं ना तो वो बोलने लगते हैं, इसलिए ना आरोही के पापा वापस चले जा रहे हैं और उन्हीं के लिए ना ये सब साग वगैरह ना हम अभी साफ़ कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलते हैं ना इसलिए साफ़ करके दे देंगे तो ताकि जल्दी से वो बना के और खा के फिर चले भी जाएंगे। और ये सब ना अपना बारी का साग है और सीम भी, और भी कुछ कुछ मम्मी ना अभी मटर ला देने गई है बारी, तो इन्हीं के लिए सारा कुछ अभी तैयार करना भी है। और ना ये सब दे के ना आरोही के पापा को भेज लेते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि आज का मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी मेरे चैनल पर नहीं आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग वीडियो आप लोग कैसा लगता है। तो मिलती हूँ अच्छे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।